Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर OBS स्टूडियो की कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा कि आप किस तरीके से OBS की सेटिंग को एकदम बढ़िया से करके आप अपनी लाइव स्ट्रीम सक्सेसफुली यूट्यूब के ऊपर चला सकते हैं और वो भी एकदम स्मूथली। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको मेरी पीसी की कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ जो मैंने VPS ले रखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन किया। फ्रेंड्स, हम जब भी OBS यूज़ करते हैं तो OBS हमारे सबसे ज़्यादा CPU को 90 या 99% तक यूजेस करता है। तो फ्रेंड्स, हमें इसके लिए सबसे एक कॉमन बात है कि हमें जो CPU की स्पीड है वह बहुत अच्छी खासी लेनी होती है। फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है इस VPS की। इसके अंदर मेरे CPU की स्पीड 2.50 GHz है, सॉकेट 1 है, वर्चुअल प्रोसेसर 4 है और मेमोरी 16 GB है। फ्रेंड्स, मेमोरी 4 GB बहुत होती है, इससे ज़्यादा में मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है अगर हम टी सीरीज़ वर्सेस PewDiePie जैसे लाइव स्ट्रीम करें तो। और फ्रेंड्स, अगर हम 100 यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीम या फिर 50 यूट्यूबर्स लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उसके लिए हमें रैम 8 GB चाहिए, बट हमें जो CPU है वह भी हमें 8 कोर का CPU हमें चाहिए, जब भी हमारी वो सक्सेसफुल एकदम स्मूथली चल सकती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इससे OBS को यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ओपन करा है, मैं आपको इस तरीके की इसकी सेटिंग बताऊंगा कि ऑल राउंडर सेटिंग, आप किसी भी तरह की लाइव स्ट्रीम चलाइए ये आपकी लाइव स्ट्रीम को एकदम बढ़िया से चलाएगी। बस डिपेंड करता है आपके जो VPS की हार्डवेयर सेटिंग है वह अच्छी होनी चाहिए बस, और ये एकदम ऑल राउंडर सेटिंग है OBS की जिसको मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। आप इस सेटिंग को हर स्ट्रीम के अंदर यूज़ में ले सकते हो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो हमसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन विजिट के लिए पूछेगा, तो हम इसे सब कुछ ऑटोमेटिकली रखें और यहाँ से यहाँ पे FPS पूछता है तो हम यहाँ पे 30 FPS भी इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करके फ्रेंड्स, से हमसे यहाँ पे हमारी स्ट्रीम सेटिंग पूछता है तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रीम सेटिंग को स्ट्रीमिंग सर्विस और यूट्यूब गेमिंग करके हमारे जो भी हमारे सर्वर कोड है स्ट्रीम की तो हम यहाँ पे लगा के इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमारे जो PC उसकी सारी सेटिंग आ जाएगी हमारे OBS की और यहाँ पे हम अप्लाई सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट जो ऑटोमेटिकली हमारी जो सेटिंग लगती है वह सेटिंग अब हमारी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब हम किस तरीके से मैन्युअली सेटिंग सेट करें कि हमारे PC ज़्यादा हैंग भी नहीं हो और एकदम बढ़िया से स्मूथली से हमारी लाइव स्ट्रीम यूट्यूब के ऊपर सक्सेसफुली चले और उसके बहुत सारे बंदे एक बार में देख सके। अब फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। OBS के ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले स्ट्रीम के ऊपर जाना है। आपको यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रीम की सर्विसेज अगर अदर कर रखे हो आप, यानी कि ट्विच और भी बहुत सी है, वो सब आपको यहाँ पे हटा के यूट्यूब कर देना है क्योंकि आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करें तो। और उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रीम की पेस्ट कर देना है यूट्यूब से। स्ट्रीम की पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट पे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सेटिंग आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट मोड मैंने यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट सिंपल ही सिलेक्ट है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे। अब एडवांस पे क्लिक करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे की फ्रेम इंटरवल को सेट करेंगे। फ्रेंड्स, की फ्रेम इंटरवल की एक कॉमन एरर है जो हर बार हम जब भी लाइव स्ट्रीम करते हैं तो उस टाइम यह आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली होता है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, यानी कि हमारी की फ्रेम जो इंटरवल है ओनली 2 सेकंड का यहाँ पे रहेगा। और उसके बाद CPU यूजेज, जो हमारा बहुत ही ज़्यादा CPU यूज़ होता है तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स वेरी फास्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हमारी फ्रेंड्स दूसरी एरर है OBS की। पहली एरर थी हमारी की फ्रेम की। सबसे पहले की फ्रेम की एरर आती है तो हम यहाँ पे की फ्रेम को 2 सेकंड पे सेट कर देंगे। उसके बाद हम CPU यूजेज है, अगर फ्रेंड्स आप CPU यूजेज को फास्ट टाइम के ऊपर क्लिक करके यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आपका जो OBS है वह आपके जो भी आपका खुद का CPU है या फिर आपने VPS ले रखा तो उसके जो CPU को यह कम यूज़ करेगा, और अल्ट्रा फास्ट या सुपर फास्ट कर रखा तो बहुत ज़्यादा CPU है, पूरा CPU यूज़ में लेता है। बट फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे वेरी फास्ट नॉर्मली कर देना है क्योंकि वेरी फास्ट बहुत ही अच्छा होता है हर PC के लिए, हर VPS के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे CPU थोड़ा कम है, उसका प्रोसेसर स्पीड थोड़ी कम है तो आपको यहाँ पे फास्टर के ऊपर ही क्लिक कर देना। अब फ्रेंड्स, हम ऑडियो मोड को सिंपल के अंदर जाके सबसे पहले हम यहाँ पे वीडियो की बिटरेट को चेंज करेंगे। वीडियो बिटरेट हम यहाँ पे 4000 कर देंगे क्योंकि 4000 के अंदर फ्रेंड्स हम इजीली हमारे जो 720 पिक्सल के हम यहाँ पे स्ट्रीम को चला सकते हैं। 720 पिक्सल यानी कि अच्छी खासी HD के अंदर, बस हमें यहाँ पे उतना ही चेंज करना है। उसके बाद जो ऑडियो है तो ऑडियो को आप जो बाय डिफॉल्ट है वो ही रहने दीजिए, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसे चेंज करने की। तो ये हमारे यहाँ पे
ऑडियो हमारे यहाँ पे पहले से सेट हुआ आता है। इसके बाद हम यहाँ पे वीडियोस के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इसके रिजोल्यूशन को चेंज करते हैं, बेस रिजोल्यूशन। अगर आपका बेस रिजोल्यूशन, मेरा यहाँ पे 1360x760 है, तो मैं बेस रिजोल्यूशन को यहाँ पे चेंज कर दूंगा और आउटपुट रिजोल्यूशन को भी चेंज कर दूंगा। ये थर्ड एरर है फ्रेंड्स जो हमें YouTube वाला देता है, ये YouTube की तरफ से सेकंड एरर है। पहली की फ्रेम की थी और सेकंड है आउटपुट की। तो हम यहाँ पे, और ये हमारे राउंड फिगर के अंदर थर्ड एरर है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट के एरर को यहाँ पे सही कर देंगे। अगर आपने 1360x760 रिजोल्यूशन बेस कर रखा है तो आपको आउटपुट भी वही कर देना है, जिससे कि आपके रिजोल्यूशन की तो कुछ भी एरर नहीं आएगी। वरना फ्रेंड्स नॉर्मली आप इसे 1080 रिजोल्यूशन कर सकते हो। बट फ्रेंड एक HD हमारे स्ट्रीमिंग के लिए, 720 पिक्सल के लिए 1360 एकदम बेस्ट है। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे FPS पूछता है, तो हम यहाँ पे 30 FPS कर लेंगे। अगर आपके CPU बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप यहाँ पे 60 कर सकते हो। बट फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे हम नॉर्मल यूजेस के लिए ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसे, और आपके PC की भी कॉन्फ़िगरेशन लिमिटेड है, तो हम यहाँ पे 30 उसके बाद क्लिक करते हैं। उसके बाद इसकी हॉट कीज़ और एडवांस सेटिंग आती है, जो हमारे ज़्यादा किसी काम की नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इसके अंदर तीन सबसे बड़ी, मैंने आपको जो चेंजेस बताए वो करना है। आपको सबसे पहले इसके अंदर बेस रिजोल्यूशन और आउटपुट रिजोल्यूशन को सेम टू सेम रखना है, और मिनिमम आपको यहाँ पे 1360 तो कर ही देना है। और जो ऑडियो है, ऑडियो आपको यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ही रखना है। अब उसके बाद जो आउटपुट है, आउटपुट के अंदर जो हमारा आउटपुट मोड है, जिसके अंदर हम सबसे पहले वीडियो बिटरेट चेंज करेंगे। बिटरेट चेंज करने के बाद अब आउटपुट मोड को हम यहाँ पे सिंपल की जगह एडवांस पे क्लिक करके हम इसके अंदर भी जो बिटरेट है वह 2500 यहाँ पे रहने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट ही। और उसके बाद हम यहाँ पे की फ्रेम इंटरवल को चेंज करना है, यहाँ पे 0 की जगह हमें 2 कर देना है। उसके बाद CPU यूजेज है, इसके अंदर हमें यहाँ पे फास्टर कर देना है। अगर आपकी PC की स्पीड स्लो है तो आपको यहाँ पे फास्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इतना कुछ करके हम इसे सेव कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम ये ओनली इतनी ही सेटिंग है OBS की। अब आपके फ्रेंड्स इसके अंदर जो भी एरर आएगी, अब आपकी ओनली एक ही तरह की एरर आ सकती है, वो है या तो आपका जो CPU है वह उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कम है, तो ओनली CPU की ही दिक्कत आएगी। और उसके बाद एक दिक्कत है जो डेटा की आती है, कि आपकी स्पीड स्लो है। अगर स्पीड स्लो की दिक्कत है तो उसके अंदर OBS का कोई रोल नहीं है। वो अगर आपका खुद का इंटरनेट है या फिर आपने VPS ले रखा है, तो आप अपने खुद का नेट है तो वहाँ के सर्विस प्रोवाइडर से बात कीजिए, डेटा प्रोवाइडर से, या फिर VPS ले रखा है तो आप अपने जिससे VPS ले वहाँ से उनसे बातचीत कीजिए। और अब हम सेटिंग को सेट कर देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हम यूट्यूब की यह है ऑलराउंडर सेटिंग को यहाँ पे सेव कर देंगे, और हम हर तरह की स्ट्रीम के अंदर इस सेटिंग को यूज़ में ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैंने अगली वीडियो के अंदर बताया कि किस तरीके से लाइव टी सीरीज़ या PewDiePie के जैसे लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, वह भी आप ज़रूर देखिए।